हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। आप सभी को पता ही है इंग्लिश ग्रामर में हम कर रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस के अंदर पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया था, तो आज की क्लास में हमारा नया टेंस पास्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं हम। और पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, इस टेंस के अंदर खूबी क्या होती है? इस टेंस के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि आपके टेंसेस के जितने भी सब पार्ट्स हैं उन सभी सब पार्ट्स में से पास्ट इंडेफिनाइट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आपके बाकी के जितने भी टेंसेस हैं किसी भी टेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे और टेंसेस की तरह ही इस टेंस की जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं हमारे उनकी पहचान क्या रहेगी, कि हिंदी के सेंटेंसेस में हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट का है या नहीं है। तो देखिए, जब भी आपके किसी हिंदी के सेंटेंस के एंड में आपको था, थे, थी या फिर आ, ए, ई, था, थे, थी या फिर आ, ए, ई के ऊपर अगर आपका कोई हिंदी का सेंटेंस एंड कर रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ था, थे, थी, अगर वही था, थे, थी, रहा था या रही थी ऐसे है तब नहीं, था, थे, थी या फिर साउंड आ रहा हो हमारा आ, ए, ई, अगर इनमें से किसी भी चीज के ऊपर आपका हिंदी का कोई सेंटेंस एंड करेगा तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होगा? आपका पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर होगा। तो बाकी टेंसेस की तरह ही हम इसके अंदर भी देखेंगे इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले हमारा वही सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के लिए। सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन भी बिल्कुल सिंपल होती है, सब्जेक्ट होता है हर सेंटेंस की तरह ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और साथ में हमारा होगा ऑब्जेक्ट। अब अगर सिंपल चीज़ों में इसको समझा जाए, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसको देखकर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक फील आएगा जैसे आप साइंस पढ़ते हो और साइंस के अंदर आप पढ़ते हो H2O, क्या होता है H2O? वाटर, पानी। तो बिल्कुल पानी की तरह ही ये टेंस हमारा बिल्कुल उतना ही सरल है, जैसे H2O ऐसे ही हमारा क्या है S2O। S2O यानी कि सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो हमारी फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से हम इसका जब एग्जांपल करेंगे तो वो भी उतना ही सिंपली हम कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम कोई भी। जैसे वह घर गया, गया, आ, जो हमने पहचान लिखी थी वही आ रहा, वह घर गया। तो वह यानी कि ही, जाना, जाना यानी कि गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारे पास? वेंट। कहां गया वो? घर गया, ही वेंट टू होम। सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, अगला जो है इसका वो है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह से होंगे, बस एक चीज का गौर करना है आपको, यहां पर आपको सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है। और मैंने आपको बताया है पहले कि किसी भी टेंस के अंदर अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो आपको अक्सर जरूरत पड़ जाती है एक हेल्पिंग वर्ब की। तो ध्यान रखना आपको पास्ट इंडेफिनेट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है? डिड। और जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर डू, डज या डिड इनमें से कुछ भी लग जाता है तो उसके साथ हमेशा क्या आती है आपकी, उसके साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में क्या आ जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब कुछ बच्चों का दिमाग फिर से घूम गया होगा कि सर ने कहा था सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म आ गई है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को गौर से देखोगे
तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म के रूप में है। डिड, डिड होती है डू की सेकेंड फॉर्म। तो यानी कि जो हमारे ये सेकेंड फॉर्म है ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब वाली जगह पे आ गई है। और डू डज डिड के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि डू डज और डिड जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके लिए भी, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जांपल कि वह कल स्कूल नहीं आई थी, थी आ गया। देखिए कि वह कल स्कूल नहीं आई थी, थी है यानी कि लड़की है, लड़की यानी कि क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट शी, और शी के साथ क्या लगेगा डिड। सबसे बड़ी खूबी यही है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिंगल है, यानी कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हर किसी के साथ क्या जा रही होगी डिड जा रही होगी। तो शी डिड नॉट, कहाँ नहीं आई थी स्कूल, शी डिड नॉट कम टू स्कूल। और कब नहीं आई थी, टाइम फ्रेज है, कब नहीं आई थी, कल नहीं आई थी, तो यस्टरडे, कि वो कल स्कूल नहीं आई थी। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद जो अगला आ जाता है वो आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पुट किया गया हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया है करना क्या होता है, सिंपली सिर्फ जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाती है उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सिर्फ सब्जेक्ट से आगे आपको रख देना है, उसको प्लेस अगर आप सब्जेक्ट से पहले कर दोगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब थी डिड प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि सेंटेंस सिर्फ इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो यानी कि नोट की आवश्यकता हमें नहीं है, तो नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हो गई हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं पिछले सेंटेंसेस की तरह ही, पिछले जो हमने सिंपल और नेगेटिव किए वैसे ही। क्या से शुरू होगा सेंटेंस, क्या तुम स्कूल गए थे। अब बात देखिए स्कूल की हम कर चुके हैं, हम कोई और कर लेते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेले थे, क्या तुम क्रिकेट खेले थे। क्रिकेट भी एक आम हो गया है, हम कोई और गेम ले लेते हैं, चेस ले लेते हैं, शतरंज। डिड सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हमारी क्या है प्ले, और क्या कोई भी गेम खिला सकते हैं हम, तो हम चेस खिला लेते हैं। डिड यू प्ले चेस, तो क्या तुम शतरंज खेले थे। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट तरह का जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और जिसके अंदर नेगेशन भी होगा, नहीं भी बोला जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं क्या तुमने खाना खाया था, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या तुमने खाना नहीं खाया था, जवाब दोनों ही मामलों में हाँ या ना में आएगा, लेकिन पूछ लिया गया क्वेश्चन क्या है नेगेशन के साथ। जब नेगेशन के साथ पूछ लिया जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर हमारा होगा तो उसकी फॉर्मेशन हमारी क्या होगी। फॉर्मेशन को हम यहाँ ले लेते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ रही है प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि नेगेटिव भी है तो साथ में क्या लग जाएगा नॉट, प्लस डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें, एग्जाम्पल लेंगे हम डिड द टीचर नॉट टीच द क्लास। मतलब क्या हुआ इसका कि क्या टीचर ने क्लास को नहीं पढ़ाया था, क्या टीचर ने क्लास को नहीं पढ़ाया था। डिड द टीचर नॉट टीच द क्लास। तो ये है आपका सारा का सारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस। फिर से कहूंगा, ध्यान रखने की बात, एकमात्र टेंस आपका जिसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाओगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डिड, डू या डज लग जाता है तो वहां पर आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सारी की सारी फॉर्मेशन हमने कर ली। अब हम अगली चीज पे आ जाते हैं। अगली चीज वही हमारी जो मैं आपको अक्सर बता देता हूँ, वो है क्या, वो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने योग्य हमारी बातें, वो बातें जिनका प्रयोग हमें अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए सेंटेंसेस को फिल करने के लिए करना होता है। क्या क्या, देखो इसके यूजेस, पास इंडेफिनेट टेंस के यूजेस, कि पास इंडेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या चीज़ें हमें सेंटेंस के अंदर दिखाई दे जाएंगी जहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो वर्ब होती है उसे फिल कर देना होगा। ध्यान रखना है आपको, अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के अंदर आपको डिड का प्रयोग करना है और उसके साथ में क्या लगा देनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिख जाता है, यस्टरडे के साथ अगर आपको किसी अन्य सेंटेंस में आपको लास्ट दिखाई दे जाता है, या फिर किसी सेंटेंस के अंदर आपको एगो दिखाई दे जाता है, या फिर अगर सेंटेंस के अंदर इन एक प्रीपोजिशन है हमारी और उस इन के साथ में कोई भी टाइम फ्रेज दिया होता है आपका, जैसे कि इन 1990 या फिर इन 1947, अगर इस तरह से कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे जाती है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको भरना होता है क्या, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे आ गया। आपको यहाँ पर अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, यहाँ आपको ब्लैंक फिल करना था, जैसे ही आपने देखा यस्टरडे तो आपको तुरंत रिमाइंड करना है कि यस्टरडे आता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर, सेंटेंस सिंपल है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि जो भी वर्ब दी हुई है उसकी हमें कौन सी फॉर्म भर देनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भर देनी है, जैसे हमने यहाँ पर इसको फिल कर दिया है, आई मेट हिम यस्टरडे। ये था आपका पहला सेंटेंस। दूसरा इसका जो यूज़ होगा, दूसरा वो यूज़ क्या होगा इसका, वो होगा किन्हीं भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने के लिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन से होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स वो होते हैं जो इतिहास में पहले बड़ी घटनाएं, जानी मानी घटनाएं जितनी भी घटित हो चुकी हैं, अगर ऐसी किसी भी घटना को आप बताना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस्तेमाल किस चीज़ का करना है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का। जैसे कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब देखिए आपको वर्ब दी गई थी गेट, यहां ब्लैंक मिलेगा आपको। अब ये एक ऐतिहासिक बात है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको एक चीज और मिल रही है, ये देखिए इनके साथ टाइम ये यहां दिया हुआ है वो भी मिल रहा है, साथ में एक ये हिस्टोरिकल इवेंट भी है। तो आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हिस्टोरिकल इवेंट है, ब्लैंक के अंदर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो तीसरा इसका जो यूज़ होगा वो क्या होगा, तीसरा इसका ये जो यूज़ होगा वो होगा सपोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर। सपोजिशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर एज इफ लगा हुआ हो, एज इफ लगा हुआ हो आपका। इसी तरह से इस सेंटेंस के अंदर अगर आपको इफ ओनली दिखाई दे जाए, या फिर अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको आई विश ये दिखाई दे जाए, एज इफ, इफ ओनली या आई विश, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं अक्सर वो सपोजिशनल, यानी कि उनके अंदर हम सपोजिशन कर रहे होते हैं कि काश काश ऐसा होता, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम क्या भरते हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भरते हैं। जैसे कि आई विश आई वॉन ए
लॉटरी। देखिए आपको यहां पर वर्ब दी गई थी क्या, विन। आपने देखा आई विश, सपोजिशनल सेंटेंस है, तो आपने क्या भर दिया उस विन की बजाय, यहां पर सेकंड फॉर्म के साथ इस सेंटेंस को आपको फिल कर देना है। यहां पर क्या आ जाएगा, वोन आ जाएगा। नंबर फोर्थ इसका जो रूल होगा, नंबर फोर्थ इसका जो यूज होगा वो क्या होगा, नंबर फोर्थ इसका यूज होगा आपका अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अगर ये चीजें मिल जाएं, इसके साथ साथ एक और चीज होती है इट इज अबाउट टाइम। अगर कोई भी सेंटेंस इनमें से किसी भी एक टाइम फ्रेज के साथ यूज हो, स्टार्ट किया गया हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपको क्या भर देना है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इट इज हाई टाइम इंडिया पुट ए चेक ऑन करप्शन। यहां पर ये जो पुट है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा ये सेकंड फॉर्म है यहां पर, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर किया है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब है उसके साथ में एस या ईएस आएगा, लेकिन यहां पर एस या ईएस नहीं आया, इसलिए पुट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, पुट ही होती है, इसीलिए यहां पर पुट आया है। तो ये हो गए आपके चार इसके यूजेस। आगे बढ़ते हैं हम, पांचवा यूज क्या है, पांचवा यूज है कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, नंबर पांच का लेते हैं हम, नंबर पांच क्या है, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाएं, कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिन्हें इफ या अनलेस जैसी कंजक्शंस के साथ जोड़ा जाता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए आपके पास और उसके एक हिस्से में, उसके एक हिस्से में आपको क्या मिल जाए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, इफ या अनलेस वाले सेंटेंसेस के अंदर अगर आपको एक हिस्से में क्या मिल जाए, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो दूसरे हिस्से में अगर आपको ब्लैंक भरने के लिए कहा गया हो तो उस ब्लैंक में आप क्या भर दोगे, हमेशा उस ब्लैंक में हमेशा भर दोगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो आपको सेकेंड फॉर्म भरनी है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो आपको डिड के साथ में क्या भर देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देनी है इफ वाले सेंटेंसेस के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ही वुड विन द रेस इफ ही रैन ए लिटल फास्टर, यानी कि देखिए अगर वो थोड़ा सा तेज दौड़ा होता तो वो रेस जीत जाता। कंडीशन क्या थी रेस जीतने की, कंडीशन थी कि उसे थोड़ा सा और तेज दौड़ना था। यानी कि देखिए इफ से पहले आपको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे गई है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया था, वर्ब आपको दी गई थी रन और रन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रैन। तो इस तरह से इस तरह के किसी सेंटेंस को आप फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, नंबर सिक्स रूल जो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नंबर सिक्स रूल क्या होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बिफोर मिल जाता है आपको, या फिर अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको वैन मिल जाता है, बिफोर या वैन से अगर किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, और उसके पहले के हिस्से में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट अभी हमने किया नहीं तो हम देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है क्या, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर बिफोर या वेन से पहले के हिस्से में आपको पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए और बाद के हिस्से में आपको ब्लैंक फिल करने के लिए कहा जाए तो उस ब्लैंक में हमेशा क्या आएगा आपका, पास्ट इनडेफिनाइट टेंस आएगा। अगर सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम देखें तो क्या आएगी, अक्सर इसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर आपकी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम इसको भी, एग्जाम्पल देखिए आपका, जैसे
ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर शी डैश लगा देते हैं हम द की। अब देखिए ये सेंटेंस आपके पास आया है, यहां पर आपको वर्ब दे रखी है क्या, ब्रिंग। अब हम देखेंगे, देखो बिफोर से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, और बिफोर से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो बिफोर के बाद हमें क्या फिल करना होगा, पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब दी गई है हमें ब्रिंग, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, बिफोर शी ब्रॉट द की। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, सेवेंथ रूल हमारा क्या कहता है, उसी तरीके से है ये भी, अगर किसी सेंटेंस को आफ्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, आफ्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, और उस सेंटेंस के बाद के हिस्से में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मिल जाता है, बाद के हिस्से में पास्ट परफेक्ट मैंने अभी आपको बताया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इन सिक्स्थ और सेवेंथ रूल के बारे में याद करने की चीज़ क्या है कि आपको ये जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है इसकी हिंदी को समझना है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी कि जो भी इसकी हिंदी होगी उस हिस्से में क्या दिया होगा आपको, पास्ट परफेक्ट, और उसका जो ओपोजिट हिस्सा होगा यानी कि बाद का ओपोजिट हिस्सा क्या होता है, पहले। तो उस ओपोजिट वाले हिस्से में आपको क्या भर देना है, ओपोजिट वाले हिस्से में आपको भर देना है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। रटना नहीं है इन चीज़ों को, इन चीज़ों को सिर्फ बेसिकली आपको समझना है कि करना क्या चीज़ें हैं, आपको उसको सिर्फ समझ के साथ आपको चला के रखना है कि आफ्टर है, आफ्टर की हिंदी क्या है, बाद में है, तो जिसमें बाद वाली चीज़ दी गई होगी उसमें क्या, पहले वाली चीज़ में क्या भरना है, हमें पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। अब अगर इसी को हम दोबारा समझ के देखें, अगर मान लीजिए दोनों तरफ ब्लैंक दे दिया गया है, दोनों तरफ ब्लैंक दे दिया गया आपको, इस साइड भी ब्लैंक है, इस साइड भी ब्लैंक, और आपसे कहा गया फिल कीजिए, तो आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होना चाहिए कि आफ्टर क्या होता है, कि आफ्टर वाले में सेकंड हिस्से में हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। तो यानी कि जो इस साइड ब्लैंक आपको दिया जाएगा उस ब्लैंक में आप क्या भर दोगे, फिर पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी साइड आपको ब्लैंक दिया जाएगा उसमें आप क्या भर दोगे, पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर अगर नेगेटिव में होगा तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी हम, एक एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है देखिए आफ्टर के बाद हमें मिलना चाहिए क्या, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे दे वेंट टू स्कूल आफ्टर दे हैड हैड देयर ब्रेकफास्ट। अब इस सेंटेंस को लेने के पीछे मेरा एक विशेष उद्देश्य है, यहां पर देखिए कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाती है, हैड हैड दो बार क्यों है, दो बार क्यों है, देखिए ये जो हैड है ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मैंने जो यहां पर हैड लगाया है, और उसमें क्या होती है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो हैव होता है, हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड, तो ये यहां पर है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड हैड। अब आफ्टर के बाद हमें क्या मिल गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले हमें क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, यहां पर हमें वर्ब दी गई को, तो हमने देखा आफ्टर के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो आफ्टर से पहले क्या आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, जो कि हमने फिल कर रखी है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अभी एक और रूल है आगे, आठवीं, आठवीं चीज क्या कहती है, आठवीं चीज भी इसी तरह से, अगर किसी सेंटेंस को कनेक्ट किया गया हो सो दैट की सहायता से, किसकी सहायता से, सो दैट। अब अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे घुमाओगे तो यही सो दैट वाला जो रूल है ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर भी किया था, और जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में किया था तो हमने पढ़ा था कि अगर सो दैट के बाद के हिस्से में हमें मे या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। अब उसी को पास्ट में ले लीजिए, मे का पास्ट क्या हो जाएगा हमारा, मे का पास्ट हो जाएगा हमारा माइट, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड।
अगर आपको सो दैट वाले किसी सेंटेंस के अंदर सो दैट के बाद के हिस्से में माइट या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाती है और उससे पहले के हिस्से में आपको ब्लैंक फिल करने के लिए कहा जाता है, तो उस ब्लैंक में आप क्या फिल कर दोगे? उस ब्लैंक में आप फिल कर दोगे पास्ट इनडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जनरल तौर पर आमतौर पर जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके अनुसार अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम, जैसे शी वेंट टू दिल्ली सो दैट शी कुड मीट हर अंकल। अब देखिए वही चीज़ फिर से है, गो फिर से आपको वर्ब दी गई है। अब सो दैट के बाद क्या मिला हमें? कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारा रूल भी कह रहा है। सो दैट से पहले हमें यहाँ ब्लैंक अगर दिखाई दिया तो ब्लैंक में क्या भरना है? जो भी वर्ब दी होगी उस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका हो जाएगा। एक और रूल की अगर हम बात करें तो वो रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस को एंड, बट या सो की सहायता से जोड़ा गया है, साथ में इसके एज सुन एज भी आ जाता है, उसको भी हम ले लेते हैं एज सुन एज, अगर इनमें से किसी भी कंजक्शन की सहायता से इसको जोड़ा गया है सेंटेंस को, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके एक हिस्से में, किसी भी हिस्से में आगे या पीछे जो भी टेंस दिया होगा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस आपको दिया गया है, तो दूसरा जो हिस्सा बचेगा उसमें भी आपको क्या भरना है? उसमें भी आपको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस भरना है। यानी कि अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म, लेकिन दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि ये एक काम हो रहा है, ये दूसरा काम हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। इन दोनों कामों को करने के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हमेशा सेम होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ का जो काम है वो राम नाम के किसी व्यक्ति ने किया है तो इस काम को करने वाला भी कौन है? राम है। ऐसा ना हो कि यहाँ का काम राम ने कर दिया और यहाँ के लिए हम रावण को लेकर आए हैं। नहीं, दोनों काम कौन कर रहा होगा? राम कर रहा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको? यहाँ पर तो मैंने सेकंड फॉर्म लिखा है, लेकिन अगर इसी तरह का कोई सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए, तो जब ये सेंटेंस नेगेटिव में आएगा तो आपको जो डिड और नॉट होगा, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है और जो नेगेशन वर्ड हमारा होता है नॉट, वो डिड और नॉट सिर्फ इस पहले हिस्से में लगाना है आपको। यानी कि इस साइड में आपका क्या आ जाएगा? फिर इस साइड में आपका आ जाएगा डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि जो ये हिस्सा बचेगा इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर करते हो, ब्रैकेट से बाहर किसी भी चीज़ को कॉमन ले लेते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये आपका जो डिड और नॉट होता है ये कॉमन ले लिया गया है, यानी कि दोनों के साथ वो आ रहा है, क्योंकि दोनों को करने वाला एक ही है, सब्जेक्ट हमारा सेम है। तो जो डिड और नॉट होगा वो सिर्फ इस हिस्से में लगेगा, इस हिस्से में नहीं लगेगा। इस तरह के सेंटेंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है? इस हिस्से में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि पास्ट, उनको पता होता है कि एंड के साथ हमेशा सेम आता है, तो यहाँ पर वो सेकंड फॉर्म फिल कर देते हैं, जबकि फॉर्म कौन सी फिल कर देनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो इसको विशेष ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि दो काम हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, दोनों ही कामों को करने के लिए सब्जेक्ट सेम होगा, और दूसरी चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब और नेगेशन वर्ड का इस्तेमाल होगा वो सिर्फ पहले हिस्से में होगा, दूसरे हिस्से में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शी डिड नॉट लाफ बट क्राई। अब देखिए डिड नॉट सिर्फ पहले हिस्से में लग रहा है, बट से जोड़ा गया तो दूसरे हिस्से में क्या आ रही है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म नहीं हो रही, क्योंकि डिड नॉट जो है वो इसके साथ भी कैरी कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी जो आपकी यूजेस थी इसकी पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। पास्ट इंडेफिनेट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
जब इसके रूल्स पे आएंगे तो विशेषकर ध्यान रखने की जो चीज़ है वो इस लास्ट रूल के अंदर है, वो क्या है कि इसमें दो काम होंगे, उन दोनों कामों को करने के लिए सब्जेक्ट सेम होना चाहिए पहली चीज़, दूसरी चीज़ उन दोनों कामों के लिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और जो नेगेशन वर्ड होगा वो सिर्फ पहली वर्ब के साथ लगेगा, दूसरी वर्ब के साथ नहीं, दूसरी वर्ब ऑटोमेटिकली उस हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी कि डिड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज अगर इस साइड सेकंड फॉर्म होगी तो इस साइड भी क्या होगी, सेकंड फॉर्म ही होगी। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, होपफुली आपने गौर से देखा होगा, ध्यान से समझा होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें आती हैं तो वही चीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को लिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शब खैर।